नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे टू बेडरूम फ्लैट द्वारका सेक्टर 19 में। डीडीए के थ्री स्टोरीज फ्लैट्स हैं जो आज हम देखने चल रहे हैं। इस सामने जो आप रोड देख रहे हैं सीधा ओमेक्स मॉल जो अभी नया बन रहा है उसको फेस करता है। सेक्टर 11 का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये सामने आपको कारगिल चौक दिख रहा है। आइए अपार्टमेंट के अंदर चलते हैं। अभी हम अपनी सोसाइटी के अंदर हैं। सोसाइटी का लुक आप देख सकते हैं। 2 BHK के यूनिट्स हैं इस पॉकेट में और ये 3-स्टोरी सोसाइटी है, 2 बेडरूम TDA फ्लैट सेक्टर 19 द्वारका। आज हम जो अपार्टमेंट देखने जा रहे हैं 3rd फ्लोर का फ्लैट है विद टेरेस। टेरेस पे भी आप ऊपर एक रूम बिल्ड कर सकते हैं। 3rd फ्लोर के फ्लैट्स में यही बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आइए अब अपने फ्लैट पे चलते हैं। आइए देखते हैं आज का फ्लैट, 2 BHK फ्लैट द्वारका सेक्टर 19। एंटर करते ही हम राइट साइड में हमारा लिविंग एरिया आ जाता है। इस फ्लैट की खास बात यह है कि इसमें ना एक्सटेंशन का काफी अच्छा प्रोविजन बन जाता है। इसमें आप आगे की तरफ और पीछे की तरफ 2 रूम डाल लेते हैं, लोगों ने यहाँ पर बनाए हुए हैं। फ्रंट में 1 बेडरूम आपको मिल जाएगा, 1 बेडरूम आपको बैक साइड में मिल जाएगा। ये डाइनिंग एरिया आप देख रहे हैं इसका। हॉल के साथ आपको एक बैल्कनी मिल जाएगी, वही बेडरूम के साथ भी कनेक्ट है। अभी हम वो भी देख लेते हैं। ये 3rd फ्लोर का फ्लैट है। फ्लैट की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट में भी बात कर सकते हैं। ये अभी हम बालकनी देख रहे हैं। ये रोड है अंदर की। आप ये सामने देखेंगे ना, सबने रूम बिल्ड कर लिए हैं। ये नीचे आप स्पेस देख रहे हैं, यही वाला स्पेस नीचे वाला जब बढ़ाता है तो आपको भी एक रूम और एक बालकनी मिल जाती है। ये सामने आप देखें पूरा बिल्ड किया हुआ है और इसी में आपको पीछे भी एक रूम मिल जाता है। लगभग 11x14 के आसपास का एक रूम अंदर भी मिल जाता है पीछे की साइड। टोटल 4 बेडरूम का फ्लैट बन जाता है आराम से। आइए इसका किचन देख लेते हैं। रॉ फ्लैट है, डीडीए कंडीशन का फ्लैट है। आप अपने हिसाब से इसमें काम करा सकते हैं। प्राइस के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं इसका 1st बेडरूम। वेंटिलेशन प्रॉपर है फ्लैट की। लगभग अभी 4 बजे का समय है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और अभी इस फ्लैट में लाइट कोई भी नहीं जली हुई है, लाइट लगी नहीं है अभी तक इसके अंदर। मतलब ट्यूबलाइट्स वगैरह कोई हमने नहीं जलाई हुई और लगी भी नहीं हुई। ये बालकनी है, ये सेम वही बालकनी है अभी जो हमने हॉल की तरफ से देखी थी। जब हम डाइनिंग एरिया की तरफ से चलते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे ये बाथरूम आ जाते हैं। एक आपको ये बाथरूम मिल जाता है। इसकी जो ये सामने वाली वॉल है, अगर हम चाहें तो ये बेडरूम से कनेक्ट कर सकते हैं। और एक ये आप W से इधर देख रहे हैं, ये इंडियन शीट इसमें लगी हुई है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और वो वाला को हम इस वाले बेडरूम से, ये 2nd बेडरूम से हम अटैच कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं इसका 2nd बेडरूम। ये लेफ्ट साइड में जो स्पेस है यहाँ से हम इस रूम को, बाथरूम को हम कनेक्ट कर लेंगे। लोगों ने किया हुआ है तो काफ़ी अच्छा स्पेस निकल आता है। 2 बेडरूम 2 बाथरूम, थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है अपने हिसाब से। सामने प्रॉपर आपको कबर्ड का स्पेस मिल जाएगा। सेक्टर 19 द्वारका,
कारगिल चौक के बिल्कुल साथ ही ये अपार्टमेंट लगता है। ये पीछे की तरफ हम स्पेस देख रहे हैं आप, ये नीचे की तरफ जो स्पेस है ये आप देखिए, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत नज़र आएगा। चारों फ्लैटों को लगता हुआ है, लगभग 100-125 स्क्वायर फीट की जगह चारों को मिल जाती है। हर फ्लैट को लगभग 450 स्क्वायर फीट का एरिया होगा, तो हर फ्लैट को एरिया मिल जाता है लगभग 11x14 समथिंग, तो इसमें भी एक रूम आपका डेवलप हो जाता है। और इसमें एक आपको टेरेस भी हम देख लेते हैं अभी चल के। ये सामने से हम इधर से एंट्रेंस से चलते हैं तो सीधा ऊपर जाएंगे तो हमारा ये टेरेस आ जाएगा। आपको टेरेस भी दिखा देते हैं, टेरेस में भी हम एक रूम बना सकते हैं डीडीए की परमिशन लेके। वन रूम सेट आप बना सकते हैं, एक बेडरूम, बाथरूम और किचन। ये राइट साइड में हमारा टेरेस आ जाएगा। ये आप सामने देखिए, सामने बनाया हुआ है, ये प्लेन छत है, ये सामने आप देख रहे हैं वॉल, इसने पूरा साथ वाले ने पूरा एक रूम सेट बनाया हुआ है और काफ़ी लोगों ने बनाया हुआ है। ये सामने आप देखिए, यहाँ पे भी आपको दिखेगा। इस तरफ भी बनाया हुआ है लोगों ने, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप इसमें लगभग अच्छे से सब कुछ बन जाता है तो ये 5 bedroom का फ्लैट बन जाता है। फ्लैट को आपने विजिट करना है तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।